लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस इस तरह का काम कर रही है वो देश आज फिर देख रहा है। साथियों, बीते तीन दिन से राजस्थान के अलवर की एक खबर धीरे धीरे बाहर आना लगी है। वहां एक दलित बेटी के साथ दो हफ्ते पहले कुछ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन उन दरिंदों को राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उन्हें पकड़ने के बजाय वहां की पुलिस, वहां की कांग्रेस सरकार इस केस को ही छिपाने में, दबाने में जुट गई। साथियों, राजस्थान में भी चुनाव थे, इसलिए वहां की कांग्रेस सरकार ये नहीं चाहती थी कि चुनाव के पहले ये खबर बाहर आए। ये खबर को दबाना चाहते थे, गुनहगारों को बचाना चाहते थे, वोट बैंक बटोरना चाहते थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिस बेटी पर सामूहिक बलात्कार हुआ उस बेटिया को न्याय दिलाने के बजाय चुनाव बचाने का काम ये कांग्रेस की सरकार करती रही। भाइयों बहनों, यही कांग्रेस के न्याय की सच्चाई है। कांग्रेस को डर था कि दलित बेटी से बलात्कार की बात खुलने से उसके वोट पर असर पड़ेगा, इसलिए उसने इस पीड़ित की बात को ही अनसुना कर दिया। जो चुनाव के समय बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को भी छिपाने की कोशिश करे और इनके दिलाग दरबारी भी इतने भयंकर कांड को दबाते रहे और ये मोमबत्तियां लेकर के निकल पड़ने वाले लोग उनकी मोमबत्तियों से धुआं निकल रहा है, बेईमानी का धुआं निकल रहा है। ये जो बारी बारी से अवार्ड वापसी की गैंग थी, जरा उस अवार्ड वापसी को पूछना चाहता हूं, क्या अलवर की बेटी पे बलात्कार होना आपकी और वो अवार्ड वापसी गैंग क्यों सो गई है, क्यों चुप बैठी है? साथियों, कांग्रेस न बेटी के साथ न्याय कर सकती है न बेटे के साथ। न्याय के नाम पर कांग्रेस और उसके साथियों ने हमेशा देश के साथ अन्याय किया।